साठ के दशक के हिंदी सिनेमा में अपनी खास जगह बनाने वाली खूबसूरत एक्ट्रेस शशिकला। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे शशिकला की सन 1961 में आई फिल्म करोड़पति ने बना दिया उन्हें कंगाल, और शुरुआती फिल्मों में हीरोइन बनने के बावजूद उन्हें बनना पड़ा वैम्प खलनायिका। शशिकला जी का बचपन बड़े मजे से गुजर रहा था कि तभी उनके पिता, जो कि कपड़े के व्यापारी थे, उन्होंने अपने भतीजे को इंग्लैंड पढ़ने भेज दिया। खर्चा बढ़ गया और दूसरी तरफ बिजनेस में नुकसान भी होने लगा। नतीजा ये हुआ कि घर की माली हालत इतना नीचे गिर गई कि फैमिली सड़क पर आ गई। शशिकला जी सार्वजनिक गणेश उत्सव के कार्यक्रमों में हिस्सा लेती थी और उनके टैलेंट को देखकर उनके करीबियों ने उनके पिता को शशिकला को बॉम्बे में ले जाने की बात कही और कहा कि फिल्मों में ट्राई करना चाहिए। पिताजी को ये बात जम गई और वो अपनी बेटी शशिकला को लेकर पहुंच गए बॉम्बे। मुंबई आने पर कुछ दिन काम ढूंढने के दौरान शशिकला को पता चला कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर शौकत हुसैन रिजवी अपनी बीवी नूरजहां को लेकर एक फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम जीनत, और नूरजहां की छोटी बहन के रोल के लिए नए चेहरे की तलाश में है। शशिकला उनसे मिलने गई तो शौकत हुसैन को रोल के लिए ठीक लगी मगर भाषा और डिक्शन और एक्सेंट से मात खा गई। उन दिनों फिल्मों के लिए उर्दू की जानकारी होना बहुत जरूरी था मगर शशिकला की उर्दू क्या हिंदी भी ठीक नहीं थी। उन्होंने शशिकला को अपनी फिल्म की एक कव्वाली आहें न भरी शिकव्या न किए में बैठाने का फैसला किया, जिसमें शशिकला के साथ श्यामा और शालिनी भी थीं। इस कव्वाली में अच्छे काम को देखकर शशिकला को 20 रुपये इनाम के तौर पर मिले। इन रुपयों से उनके घर दिवाली मनी, जी भरकर मिठाई पटाखे कपड़े खरीदे और शशिकला के लिए पिता ने 2 साड़ी भी खरीद डाली। 20 रुपये में इतना सब कुछ मिलता था उस जमाने में। काम से खुश होकर शौकत साहब ने उनके साथ 400 रुपये महीने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 3 साल के लिए, लेकिन साथ ही एक शर्त भी रखती, वो ये कि शशिकला को उर्दू सीखनी पड़ेगी। फिल्म जीनत से लैंग्वेज की वजह से पीछे रहने वाली शशिकला ने जल्दी ही उर्दू, अंग्रेजी और गुजराती में अपनी पकड़ बना ली। 2 साल की मेहनत के बाद 1947 में आई शौकत हुसैन की अगली फिल्म जुगनू में उन्हें दिलीप कुमार की बहन का रोल निभाने का मौका मिला। इस फिल्म में काम से खुश होकर शौकत हुसैन साहब ने उन्हें अपनी अगली फिल्म में हीरोइन बनाने का फैसला ले डाला, मगर मंजिल अभी दूर थी। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे की वजह से मलिका तरुण नूरजहां अपने पति शौकत हुसैन के साथ पाकिस्तान चली गई और शशिकला का हीरोइन बनने का सपना अधूरा रह गया। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।